अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वज़ू का मुकम्मल तरीका, वो भी हिंदी में स्टेप बाय स्टेप शुरू से सीखेंगे और वो भी प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वज़ू क्या है, वज़ू का मतलब क्या होता है, नमाज के लिए वज़ू क्यों जरूरी है, वज़ू क्यों की जाती है। और उसके बाद हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वज़ू करने का सही तरीका क्या है, वज़ू की नीयत किस तरह से की जाती है और वज़ू की दुआ क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके तमाम जो कन्फ्यूजन है या आपको जो कुछ वजू से रिलेटेड नहीं पता होगा वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को देख कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट शुरू करने से पहले, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वजू क्या है, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई वजू क्या है, वजू क्यों की जाती है, वजू किसे कहते हैं, तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना ही चाहिए। तो इसीलिए आइए जानते हैं वजू क्या है। वजू हर नमाज से पहले की जाती है। वजू का मकसद अपने आप को नमाज से पहले साफ सुथरा करना होता है, जिसमें हाथ, मुंह, नाक, चेहरा, हाथ, सर और पैर का धोना शामिल है। इससे पहले कि हम नमाज अदा करें, हमें खुद को मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। इस तैयारी का एक बड़ा हिस्सा वजू के नाम से जाना जाता है। यह एक पाकीज़गी प्रोसेस है जिसे हर मुसलमान को अपनी नमाज अदा करने से पहले करना चाहिए। यह नमाज का इतना लाजमी हिस्सा है कि अगर कोई जानबूझकर या लापरवाही की वजह से छोड़ देता है तो उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अब हम और आगे चलते हैं और जानते हैं वजू क्यों जरूरी है। इस्लाम में पाकीज़गी और स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। वजू नाम से पहले शारीरिक और मानसिक दोनों की तैयारी है और अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेटिंग करने से पहले पाक होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना नमाज शुरू नहीं हो सकती। वजू के स्वास्थ्य लाभ इस बात से सिद्ध होते हैं कि हाथों और चेहरों को नियमित रूप से धोने से रोग और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं वजू की तरफ कि वजू किस तरह से की जाती है। लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे कि वजू किस तरह से करते हैं। आप देखिए और सीखिए। इंसान वजू से पहले तहारत करने और नापाकी दूर करने की नियत करे। नियत जुबान से अदा नहीं होगी क्योंकि नियत की जगह दिल है। नियत दिल से होती है। वजू करने से पहले नियत के लिए इन तीनों में से किसी एक को भी पढ़ना जायज है। पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा बिस्मिल्लाहिल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा बिस्मिल्लाहिल्अलीगिलअज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहिअलादीनिलइस्लाम। हदीस शरीफ से साबित है, इब्ने माजा 397, जो शख्स वजू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वजू नहीं। वजू करते समय अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत धोएं, उसके बाद तीन बार कुल्ली करें। कुल्ली का मतलब यह है कि मुंह में पानी डालकर घुमाएं, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद तीन बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ करें, कुछ इस तरह। फिर तीन बार चेहरा धोएं। लंबाई में चेहरा जहां से सर के बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में दाएं कान से बाएं कान तक धोएं, कुछ इस तरह। अपने दोनों हाथ कोहनियों तक तीन बार धोएं। फिर सर और कानों का एक बार मसह करें। अपने दोनों हाथों से मसह करें, सर की पेशानी से शुरू करके गर्दन से पिछले हिस्से तक लेकर जाएं। फिर वापस पेशानी तक हाथ लाएं। फिर अपने कानों के अंदर का एक बार मसह करें, फिर गर्दन का भी मसह करें, कुछ इस तरह। अपने दोनों पांव टखनों तक तीन बार धोएं, पहले दायां फिर बायां। वजू करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, और अगर आप नहीं रखते हैं तो आपकी वजू नहीं मानी जाएगी। पहला है चेहरा धोना, मुंह और नाक भी इसमें शामिल है। दूसरा कोहनियों तक हाथ धोना, तीसरा सर का मसह करना, चौथा टखनों तक पांव धोना, और पांचवा वजू के अंगों को धोते हुए तरतीब बनाए रखना, और छठा है वजू के भागों को धोते हुए बीच में ज्यादा देरी ना करना। वजू करते समय इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी वजू नहीं होगी, क्योंकि ये फराइज़ी वजू है। और अगर आप वजू मुकम्मल तरीके से कर ली है तो आप इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो हमें उम्मीद है कि आपको वजू से रिलेटेड तमाम जानकारियां मिल गई होंगी, और लगता है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल नूरानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और लाइक जरूर करें।
और अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।